Hello students, this is Bashir Ahmed Gojri again for the second part of our topic, the Delhi Sultan. Delhi Sultan, इसमें हमने जो last class में पढ़ा था हम उसको आज आगे ले जाने की कोशिश करेंगे. तो बेटा जो हमने उस टाइम एक मैप्स देखे थे, एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने वो मैप ला रहा हूँ. तो आप लोगों को इन मैप्स को देख के बोलना है, when was the extent of Delhi Sultanate highest? सबसे बड़ा extent, दिल्ली सल्तनत सबसे ज़्यादा फैली हुई कब थी? इन मैप्स को देख के आप बोलिए, येलो पोर्शन जहाँ सबसे ज़्यादा है वो था सबसे बड़ा extent. वाइसली वो ये है. तो इसमें भी कौन सा वाला? ये वाला पोर्शन. तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ऊपर लिखा है तुगलक डायनास्टी, और तुगलक डायनास्टी में भी सबसे ज्यादा ये था एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. दैट मीन्स द एक्सटेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज हाईएस्ट एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक. उसके बाद जो बेटा हमें बोलना है, हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत ने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पे एरिस्टोक्रेट्स को नहीं लाया. दे फॉलोड ए कॉन्सेप्ट. हमने बोला था व्हाट वाज दैट? बंदगान. द कॉन्सेप्ट ऑफ बंदगान, ट्रस्टेड स्लेव्स जिनको उन्होंने खरीदा था. बंदगान अल्तमिश ने स्टार्ट किया था, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलकस ने, खिलजीज ने भी वही कॉन्सेप्ट कंटिन्यू किया. तो बंदगान में अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जियाउद्दीन बरनी लिखता है कि इसने एक वाइन डिस्टलर को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पे लाया. एक वाइन डिस्टलर को इसने, एक बारबर को, एक हजाम को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट किया. हो गया. इसने एक कुक को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट किया. इसने दो गार्डनर्स को भी किया. तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदगान कॉन्सेप्ट फॉलो करके एक वाइन डिस्टलर, एक बारबर, एक कुक और दो गार्डनर्स को बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पे अपॉइंट किया. जियाउद्दीन बरनी जो एक राइटर है, बरनी ने इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया है. वो इसको कहता है, इट इज द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट, इट इज अ मिसरूल, इट इज मिसरूल कि एक एबल पर्सन को, एरिस्टोक्रेट को छोड़ के आम इंसान को बड़े पोस्ट्स पे रखना. जियाउद्दीन बरनी क्रिटिसाइज दिस और वो लिखता है इसमें कि इट इज फेलियर ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट, इट इज मिसरूल्ड अपॉइंट सच पर्सन ऑन हायर पोस्ट्स. हो गया. ये बिल्कुल हमारी बुक में एक बॉक्स में लिखा है बेटा, आप बुक निकाल के दे सकते हो. व्हाई जियाउद्दीन बरनी क्रिटिसाइज्ड द बंदगान कॉन्सेप्ट. तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, हम एक छोटा सा मिन्हाज-उ-सिराज, हाँ जिस सिराज एक राइटर था, मिन्हाज-उ-सिराज लिखता है अबाउट रज़िया सुल्तान. रज़िया सुल्तान के बारे में वो लिखता है, रज़िया सुल्तान द डॉटर ऑफ अल्तमिश, जो अल्तमिश की बेटी थी, शी वॉज मोर एफिशिएंट, वो एफिशिएंट थी, वो मोर एबल्ड थी, वो बहुत ही स्किल्ड थी, कंपेयर टू हर ब्रदर्स, अपने भाइयों से ज़्यादा होनहार थी, अपने भाइयों से ज़्यादा इंटेलिजेंट थी. ये मिन्हाज-उ-सिराज कहता है. एंड दिस रज़िया सुल्तान असेंडेड द थ्रोन, ये दिल्ली की क्वीन बनी थी 1236 में. लेकिन सिटल, एक उस जमाने में औरत का क्वीन बनना, औरत का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनना, दिस कॉन्सेप्ट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू दैट नोबल्स, जो नोबल्स थे, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू नोबल्स. यानी जो नोबल्स थे
अगर हम नोबल्स की बात करते हैं, कोर्टमैन की बात करते हैं, दे वेयर नॉट हैप्पी विद दिस कॉन्सेप्ट कि एक लेडी हेड बनेगी, वो भी क्वीन बनेगी. ऑल दो शी वॉज एबल, ऑल दो जो ज्यादा होनहार थी, तब भी नोबल्स ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया. दे वेयर नॉट हैप्पी विद दिस थिंग. एंड फाइनली शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240. 4 साल के बाद ही, ऑल दो ये ज्यादा स्किल्ड थी, शी लेड द एक्सपेडिशन इज हर सेल्फ, लेकिन तब भी 4 साल के बाद ही उसको हटाया गया. ठीक है, तो आज की बात आ बेटा आप लोगों के लिए है. तब औरत होनहार भी थी, वायु से ठीक भी थी, तब भी लोगों को इसका क्वीन बनना ठीक नहीं लगा. क्या आज ऐसा है? क्या आज हम औरतों के बारे में ऐसा सोचते हैं? आप लोगों के लिए एक बात है, आप इंदिरा गांधी की केस स्टडी पढ़ोगे और देख लोगे इंदिरा गांधी ने कैसे, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड पीपल एक्सेप्टेड हर. आज की दुनिया में भी अगर आप पूरे वर्ल्ड का देख लोगे, बहुत सारी जगह औरतें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या क्वीन का रोल अदा कर रही है, लेकिन उस जमाने में नहीं. ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए कंपेरेटिव कि तब लोगों की आइडियोलॉजी क्या थी अबाउट वुमेन और आज क्या है. हो गया, तो नेक्स्ट इसी चैप्टर में हमारा जिक्र है और भी दो लेडीज का. एक है रुद्रमा देवी. रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी ककातिया किंगडम की एक क्वीन थी, जो वरेंगल यानी आज के आंध्र प्रदेश में वो एरिया है, वहाँ की क्वीन हुआ करती है थी. कश्मीर का जिक्र करते हैं तो यहाँ भी दीदा रानी एक क्वीन हुआ करती थी. इन तीनों का जिक्र है हमारी इस बुक में. रजिया सुल्तान का देखते हैं, इसने अपने क्वाइन्स में क्लियरली लिखा है डॉटर ऑफ अल्तुतमिश. डॉटर क्लियरली लिखा है, डॉटर ऑफ अल्तुतमिश. अब रुद्रमा देवी का देखिए, शी चेंज्ड हर नेम. जब वो क्वीन बनी, शी चेंज्ड हर नेम एंड शी प्रटेंडेड टू बी ए मेल. इसने प्रटेंड किया कि वो एक मेल है. उसके बाद अगर दीदा रानी का देखते हैं, दीदा रानी ने अपनी अपना नाम क्या रखा, देद. कश्मीरी में हम देद किसको कहते हैं, देद मीन जो बुजुर्ग हमारे घर में नहीं, एक मदर टाइप, जो पूरी प्रजा की एक मदर की तरह थी. ठीक है, सो तीन क्वीन्स का हमने जिक्र किया. रजिया सुल्तान ने बोल्डली लिखा अपना डॉटर, रुद्रमा देवी ने चेंज्ड हर नेम, प्रिटेंड टू बी अ मेल, और उसके बाद अगर दीदा रानी का देखते हैं तो अपना टाइटल ऐसा, दिद दैट मीन्स मदर ऑफ द ऑल, सारी प्रजा की मदर. ठीक है, तो उसके बाद हम एक और राइटर इस टाइम हिंदुस्तान आया था, उसका नाम था, मोरक्को से आया था, इब्न बतूता. ध्यान देना बेटा, अगर आप वर्ल्ड मैप रखली देखते हो, ये अफ्रीका, ये इंडिया है, उसके बाद ये रेड सी, उसके बाद ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ यूरोप. अफ्रीका के इस साइड से एक कंट्री है आज जिसको हम मोरक्को कहते हैं. मोरक्को से तब एक राइटर आया था इंडिया, एंड इसी दिल्ली सल्तनत में, इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आया था कौन, मोरक्को से एक राइटर जिसका नाम था इब्न बतूता. ठीक है, तो इसने भी जो लिखा है यहां इंडिया में, इसकी राइटिंग भी, द ट्रैवलर, मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता
who came to Delhi Sultanate, he visited the court of Muhammad bin Tughlaq. For some time, he stayed in his court. वो इसके कोर्ट में भी रहा. And as per some sources, Muhammad bin Tughlaq ने उसको appoint किया था as chief qazi भी, as chief qazi, as per some sources. तो इब्न बतूता ने जो यहाँ लिखा, एक ट्रैवलर था जो इसने लिखा, जो ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आए, यहाँ लिखा इंडिया के बारे में, उन अकाउंट्स को हम कहते हैं ट्रैवलोग्स. तो मार्को इब्न बतूता की भी राइटिंग जो है, दैट इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री अबाउट दिल्ली सल्तनत. तो उसके बाद लास्ट में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा इसमें और सीखने की कोशिश कर लेंगे कि जो अभी आपने विजुअल्स में देखा, आपने देखा कुतुब मीनार, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा कुतुब मीनार कहाँ है. हाँ, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, वो दिल्ली में है. कुतुब मीनार की बुनियाद डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक, द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. उसने, इट वॉज नेम्ड. अब नाम इसका कुतुब मीनार क्यों रखा गया, कुछ सोर्सेस कहते हैं बिकॉज इसकी फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शायद अपने नाम. लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बुक देखते हैं वहां क्लियरली मेंशन है, इट वॉज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, उसके नाम में था. ठीक है, तो उसके बाद इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और कंस्ट्रक्शन यहां की थी, दैट इज कॉल्ड कुवतुल इस्लाम मास्क. कुवतुल इस्लाम मस्जिद जो है उसकी बुनियाद भी इसी ने डाली थी. इसी कुतुब मीनार की कंप्लेक्स में हमें है अलाई दरवाजा. दरवाजा ये अलाउद्दीन खिलजी ने ऐड किया था. कुतुब मीनार की बुनियाद डाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसको आगे बढ़ाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी इस पे कंस्ट्रक्शन किया. ऊपर वाला वाइट वाला पोर्शन जो है वो फिरोज शाह तुगलक का कहा जाता है, उसने बनवाया है. कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवतुल इस्लाम मास्क बनवाई, कुवतुल, उसके बाद अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया. एंड इफ यू हैपन टू विजिट दिल्ली, ये कुतुब मीनार कम्प्लेक्स विजिट करना, वहाँ आप देखोगे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन है जो इन्हीं दिल्ली सुल्तान की कंस्ट्रक्शन है, और वहाँ से आपको पता चलेगा हाउ फाइन वेयर दे एट स्टोन मेकिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिग बिल्डिंग्स. वहाँ खिलजी मदरसा है, वहाँ टॉम्ब ऑफ अल्तमश भी है जिसका छत अभी नहीं है, शायद गिर गया है. टॉम्ब ऑफ अल्तमश ने अल्तमश जो सेकंड थर्ड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत था उसका, वो भी आप वहाँ देखोगे. खिलजी मदरसा देखोगे, वहाँ आयरन पिलर ऑफ मेहरोली वो भी आप वहाँ देखोगे इफ यू हैपन टू दिल्ली. तो आई होप बेटा कि जो हमारी लर्निंग आउटकम एनसीईआरटी के इस चैप्टर से हमसे मांगते हैं वो सब कुछ हमारे तक पहुँचा. बस इन क्लासेस को जो मैंने बोला, आप ध्यान से आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालना, एक बार इस चैप्टर को पढ़ना, खाली 5 पेजेस का चैप्टर है, एक बार पढ़ना एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस. थैंक यू बेटा, अब आपका काम है इसको करना. थैंक यू बेटा.